एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट है, कॉमन टेंजेंट टू टू और मोर सर्कल्स। तो दो तीन इसके क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन लेके चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में एक्चुअली दो सर्कल्स जो हमारे पास गिवन है, बड़ा सर्कल है इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओ वन ओ टू जो है इनके सेंटर ऑफ द सर्कल्स हैं। पी क्यू जो है टेंजेंट है एक, ठीक है। हमें फाइंड करना है पी क्यू की लेंथ कितनी है, ये टेंजेंट ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है लेंथ कितनी है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ सम ऑफ रेडियस का स्क्वेयर। तो ये अंडर रूट ऑफ सम ऑफ रेडियस का स्क्वेयर, तो रेडियस कितना है इसका 5 और इसका 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 का स्क्वेयर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वेयर। इनका डिफरेंस क्या है, 5 - 4 का स्क्वेयर। ये आ जाएगा 5 + 4 हो गया 9, 9 का स्क्वेयर माइनस 5 - 4 कितना हो गया 1, आ जाएगा 1 का स्क्वेयर। ये आ जाएगा 9 9 = 81 माइनस 1, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 80, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, 2 × 2 × 2 हो गया 8, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 5 हो गया कितना 80। तो बाहर क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2, इनमें से 2 2 बाहर आ जाएंगे यानी 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ कितना बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ 5 जो यूनिट होगा। अगर ये सेंटीमीटर हमने लिया तो सेंटीमीटर आ जाएगा, 4√5 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ आ जाएगी पी और क्यू से। ये कितना आ जाएगा, 4√5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल इन टू सर्कल। जब हम दो सर्कल लेंगे तो कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हैं दो सर्कल के केस में। तो एक हमने एक जब टेंजेंट्स हमने देखे थे तो उस केस में हमने एक फिगर ड्रॉ की थी, वो फिगर थी ये वाली फिगर थी, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने आ रहे थे उसके अंदर, एक ये एक हो गया, ये आ गया 2, ये 3 और ये ऐसे बन रहा था 1 4। तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम जो है 4 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं जब हम दो सर्कल ले रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बोल रहा है टू सर्कल लाइंग आउटसाइड ईच अदर, तो कितने टेंजेंट्स हम फॉर्म करेंगे। दो सर्कल जो हैं लाइंग आउटसाइड ईच अदर, ठीक है, टू सर्कल लाइंग आउटसाइड ईच अदर, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स फॉर्म करेगा। बोलता है दो सर्कल हैं लाइंग लाइंग आउटसाइड ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वाली एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग हैं, एक दूसरे से टच नहीं है, एक दूसरे को कर रहे। तो कितने मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं इसके केस में, हमने अभी बताया कितने बन रहे हैं, 4 टेंजेंट्स, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट्स इसमें बनेंगे, ठीक है। टोटल कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये आ जाएगा 4। फिर बोलता है सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे उस केस में, तो टेंजेंट्स कितने बनेंगे। तो दो सर्कल जो हैं ऐसे हैं, एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ऐसे है, तो उस केस में कितने टेंजेंट्स बनते हैं। मैक्सिमम जो है पॉसिबल है वो है, एक ये टेंजेंट बनेगा, एक ये टेंजेंट बनेगा और ये टेंजेंट जो बीच में से होके गुजरेगा। तो टोटल इस केस में कितने टेंजेंट्स बनेंगे, 3 बनेंगे। उसके बाद बोल रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल हम लेते हैं, ये सर्कल ले लिया और ये सर्कल हमने ले लिया, तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स इस केस में बनेंगे। अगर ये दो दो क्योंकि ये सर्कल जो है एक दूसरे को दो जगहों पे कट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने बनेंगे इसके अंदर जो कि कॉमन हो। एक तो ये बनेगा और एक तो ये बनेगा, तीसरा कोई टेंजेंट इसके अंदर नहीं बनेगा। तो कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं इस केस में, इस केस में बन रहे हैं 2 टेंजेंट्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन बोल रहा है टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली। बोलता है दो सर्कल हमारे पास हैं, इधर जैसे ड्रॉ करता हूँ मैं, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, और लेकिन एक दूसरे को क्या है अंदर से टच कर रहा है। टू सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली, टच कर रहे हैं लेकिन कहाँ पे, इंटरनली टच कर रहे हैं।
तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं इस केस में? इस केस में मैक्सिमम जो है एक टेंजेंट बनेगा, जो कि दोनों के ऊपर आ रहा है, ठीक है? क्योंकि इसमें लिखा था कि टू सर्कल टचिंग ईच अदर, टच तो कर रहा है, टू सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है? तो टेंजेंट्स कितने बनेंगे उस केस में? वन टेंजेंट बनेगा इस केस में, ठीक है? फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, टू सर्कल्स वन लाइंग इनसाइड अनदर। अच्छा, ये एक सर्कल है और एक यहाँ से है, यानी एक जो है सर्कल जो है दूसरे सर्कल के अंदर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसको बोल सकते हैं। अब बोल रहा है कि इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, तो इसमें एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है? इसका टेंजेंट तो बन जाएगा इसका, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कॉमन टेंजेंट्स। इसका जो बनेगा तो इसका तो टेंजेंट बन जाएगा, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसका तो टेंजेंट बन जाएगा, लेकिन इसको फिर वो सीकेंट बन जाएगा, इसका वो क्या बन जाएगा? सीकेंट बन जाएगा। तो इसीलिए इस केस में टू सर्कल्स वन लाइंग इनसाइड अनदर, नंबर ऑफ टेंजेंट्स किस में बनेंगे उसके अंदर जीरो टेंजेंट्स बनेंगे, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोलता है हाउ मैनी मैक्सिमम टेंजेंट्स कॉमन टू थ्री सर्कल्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर तीन सर्कल हम लेते हैं तो कितने टेंजेंट्स मैक्सिमम बना सकते हैं? तो एक तो सर्कल एक हमने ले लिया, ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है? तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स जो हैं हम तीन ही ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है? इसके अलावा तीसरे सेकंड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इससे ज़्यादा हम टेंजेंट्स जो हैं इन तीन सर्कल्स को बना सकें। तो कितने हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट्स कॉमन टू थ्री सर्कल्स कैन बी फॉर्म, तो ये कितने आ जाएंगे? टू टेंजेंट्स, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि टू सर्कल लाइंग आउटसाइड ईच अदर, तो इधर मैंने प्रॉपरली लिखा नहीं कि कितना, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये इधर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने फॉर्म करेगा, मैक्सिमम टेंजेंट्स जो हैं कितने फॉर्म करेंगे, तो वो क्वेश्चन ये चल रहा है। टू सर्कल्स लाइंग आउटसाइड ईच अदर, एक दूसरे के आउटसाइड लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चार टेंजेंट बन सकते हैं। टू सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो मैक्सिमम तीन टेंजेंट्स। टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, तो कितने टेंजेंट बनेंगे? दो पॉइंट। टू सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली अगर कर रहे हैं तो एक पॉइंट। टू सर्कल्स वन लाइंग इनसाइड अनदर, तो कोई भी टेंजेंट उसमें नहीं बनेगा।